हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मींस कंस्ट्रक्ट करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड टू एंगल्स आर आल्सो गिवन, टू इंक्लूडेड एंगल्स एक्चुअली, 30 डिग्री इज एंगल बी एंड 150 डिग्री इज एंगल सी। तो यहाँ पर थ्री साइड्स दिया हुआ है और टू इंक्लूडेड एंगल्स दिया हुआ है, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट इजिली। आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बी सी साइड से। तो पहले हम 3.6 सेंटीमीटर का लेंथ खींचेंगे। ओके, हमने लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा कर लिया है 3.6 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे सी पॉइंट, इस बी और सी पर आपको 30 डिग्री एंड 150 डिग्री एंगल बनाना है रिस्पेक्टिवली। तो पहले एंगल बी पर बनाते हैं, मतलब इस पॉइंट बी पर बनाते हैं 30 डिग्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो इधर से आप बी सी साइड को देख रहे होंगे, बी से सेंटर से जो है राइट साइड में लाइन जा रही है, तो आप इधर से एंगल मेजर करेंगे। मीन्स ये जो आउटर जो दिया हुआ है यहाँ पर स्केल, उसका यूज करेंगे। 10, 20, 30 आपका यहाँ है, तो यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे एक पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है एक पॉइंट, बी और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है और इसका हम नाम ले लेते हैं बी एक्स। सो दिस इज एक्स बी एक्स। तो अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ए। पॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हम बी को सेंटर मान करके एक आर्क खींचेंगे जो 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। ओके, तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पा लिया है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका ए है। तो हमने जो यहाँ पर कर लिया है कंस्ट्रक्शन 30 डिग्री एंगल का, अब सी पॉइंट पर हम बनाएंगे 150 डिग्री एंगल। ओके, सी पॉइंट पर एंगल बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए सी बी आपका जो लाइन सेगमेंट है वो इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो आप नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे क्योंकि आपको रोटेशन ऐसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे 150 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में। तो 150 डिग्री आपका यहाँ पर है, तो ऐसे बढ़ेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 140, 150। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 150 पर एक मार्क कर लिया है। अब इसके डायरेक्शन में और सी और इस पॉइंट डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे सी वाई। तो हमने यहाँ सी पॉइंट पर 150 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन खींच लिया है सी वाई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें पॉइंट करना है फाइंड यहाँ पर डी। तो डी को फाइंड करने के लिए सी को सेंटर मान करके 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यदि आप आर खींचते हैं, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, वही पॉइंट होगा डी। ओके, तो हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लिया है और सी वाई को वो पॉइंट इस यहाँ पर पॉइंट डी पर कट कर रहा है, तो हम इसको नोट कर लेंगे डी। तो हमें डी पॉइंट मिल गया है और ए पॉइंट मिल गया है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ओके, तो हमने ज्वाइन कर लिया ए डी। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, यदि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कैसे करना है, तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और यदि आपने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप कमेंट, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मेरी पर्सनल गारंटी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।